तो देखिए, अगर आप इटली आ रहे हो, अगर टूरिज्म से रिलेटेड कोर्स करना है तो आप इटली में आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिज्म से जॉब मार्केट सेक्टर है उसका बहुत ही मतलब बड़ा है। क्योंकि अभी भी मैं इवेंट अटेंड किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बड़ा इवेंट था। मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब टूरिज्म का इतना बड़ा जॉब मार्केट होगा और इतने बड़े इवेंट होते हैं करके। बहुत ही बड़ा था, मिलान में था फॉर एग्जाम्पल, मिलान है, रोम है, वेनिस है, सिसिली है, ऐसे मतलब बड़े बड़े शहर सेलेक्ट करने से वहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। स्पेशली मिलान में बहुत इवेंट्स होते हैं, फैशन वीक होता है, डिज़ाइन वीक होता है, आर्किटेक्चर वीक होता है, और मतलब बड़े बड़े इवेंट होते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि टूरिज्म इवेंट चल रहा है, तो ऐसे बड़े सिटी में रहने से यही बेनिफिट होता है, मतलब जो भी कुछ पता चलता है हम लोग आराम से अटेंड कर सकते हैं, सीखने के लिए मिलता है। और मैं इतना बड़ा इवेंट देख के शॉक हो गया सच में। अगर आपको पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब टूरिज्म से कुछ भी आपको पर्सनल इंटरेस्ट, तो आप टूरिज्म का कोर्स करके आराम से यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके जॉब में आराम से आप जा सकते हो। तो हर एक देश में कुछ खासियत रहता है, लेकिन वो जो बात होती है ना मार्केटिंग की, प्रेजेंट सिचुएशन में, तो मतलब मार्केटिंग प्रमोशंस तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट में करते, मतलब बहुत सा भीड़, बहुत भीड़ लगा था। कम से कम 3 से 4 दिन का इवेंट चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो अगर आप लोग भी मतलब टूरिज्म से करना चाहते हो तो इटली आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। आप जाओ, कोर्स सेलेक्ट करो, मतलब यूनिवर्सिटी सर्च करो, कैसे कैसे क्या करना है करके। मतलब एक बात बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव भी थे तो उनसे मतलब अच्छा से परिचय हो गया। रूबी हॉलीडेज करके हैं तो उन्होंने हम लोगों को मतलब पास दिया। इन जनरल यहाँ पे एंट्री फीस होता है जो कि मेरे ख्याल से 10 यूरो है, लेकिन हमको पास दिए और फिर हम लोग अंदर आराम से पूरा शो देखें। और फिर वहाँ पे गए तो चाय नाश्ता आराम से, मेहमानबाजी जो चलती है उन्होंने मेहमानबाजी दिखाई, फिर चाय, फिर खाने पीने के लिए सब कुछ आराम से दिया। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, अपने जो हॉस्पिटैलिटी रहता है यहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने के लिए मिला। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो कि रूबी हॉलीडेज़ के हैं, जो कि उनके वजह से हमको ये देखने के लिए मिला। और हमारा एज ए स्टूडेंट जो मेन रहता है कि बजट, तो बजट की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उन्होंने फ्री एंट्रेंस दिया हम लोगों को। तो थैंक यू रूबी हॉलीडेज़ को भी। मार्केटिंग करने आए इंडिया के लिए। अच्छा, इस बार इंडिया ने स्टैंड नहीं रखा है, तो हमने सोचा कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म, इटालियन टूरिज्म टुवर्ड्स इंडिया इंडिया के लिए। अच्छा।